करके। मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत जो है ना बहुत ही हेल्दी तरीके से हो रही है क्योंकि यहाँ पे ताई जो है ना मौसम्बी और संतरों का रस निकाल रही है। मौसम्बी और संतरे जो है बड़े भी हिला के रखे थे काफ़ी सारे घर पे और थोड़ा खट्टा था इसलिए इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी। इसके बाद हम लोगों ने जूस वगैरह पी लिया। फिर बच्चों की डिमांड थी कि उनको थोड़ा सा मतलब सैंडविच वगैरह चाहिए, हालांकि मैं दोपहर में पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, फिर भी सोच उनने बोला कि चाहिए अभी मॉर्निंग में, तो थोड़ा एक दो सैंडविच उनके लिए बना दिए। साथ ही में यहाँ पर हमारी सुबह की चाय है, चाय पीने वाले जूस तो पी लिया था सुबह सुबह लेकिन चाय की क्रेविंग हुई बाद में क्योंकि हम लोगों का उपवास था। तो उसके बाद चाय भी रख दी थी, दूध आके रखा था तो उसको भी बॉयल होने रख दिया। तो जैसे ही सैंडविच बन गए तो बच्चों के पास लेके गई खाने के लिए। अनाया ने तो पहले देखा और हाथ में भी लिया, उसके बाद भूलती कि नहीं खाना है। उसके बाद फिर मैंने पीहू को दिया, पीहू को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसी के लिए बनाया था क्योंकि उसी ने बोला मम्मी बना दो करके, और पिज़्ज़ा बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम था अभी बना मतलब, तो उसके उसके लिए फिर मैंने सुबह सुबह दो सैंडविच बना दिए। और यहाँ पे जो है ना ताई पेंटिंग कर रही है और ये मेरे मोबाइल का कवर हो रखा है और काफ़ी पुराना हो गया है, और तो मैंने बोला ताई को कि इसके ऊपर भी पेंटिंग कर दो। बाकी घर के जितने भी पॉट वगैरह थे सबके ऊपर ताई ने पेंटिंग की है और एक एक करके इसके बाद वाले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि इसमें बताऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए सारी तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ कुछ एक जो ताई ने पेंटिंग्स की है पॉट वगैरह बनाए हैं वो ज़रूर दिखाऊंगी आपको, बहुत प्यारे बनाए उसने पॉट्स। फिलहाल तो मेरा मोबाइल का कवर हो रहा है। ओके, मैं भी आ गई हूँ सुबह जो बच्चों का थोड़ा सा नाश्ता मतलब एक एक सैंडविच दे दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं। और अभी बनाने की प्लानिंग थी पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा बेस नहीं आया था इसलिए नहीं बना पाई। और कल मेरा यहाँ से ना पूरा चाय से बर्न हो गया था, वो तो अच्छा है कि मैंने ट्यूब लगा ली थी, थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन ये पूरा बर्न हो गया था मेरा कल, मतलब चाय मेरे ऊपर गिर गई थी। तो बस फ्रेश होने के बाद पूजा पाठ वगैरह हो गई और गुरुवार था और हम लोगों का सबका उपवास था, तो यहाँ पे जो है ना भगर की तैयारी में कर रही थी और यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए प्याज और शिमला मिर्च काट ली थी। प्याज जो है थोड़े ज़्यादा काटने लगाए थे, आर्या ने मुझे काट के दिए थे क्योंकि शाम को जो है ना मसाले की सब्ज़ी बनानी है, तो साथ में मैंने बोला क्योंकि मार्केट दोपहर में हम लोग चले जाएँगे तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो आर्या को मैंने दे दिया था। आर्या मतलब ताई की बेटी, तो उसने जो है बाकी की सब्जियां वगैरह मुझे कट करके दे दी थी। तो यहाँ पे भगर जो हमेशा मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की, कुछ खास नहीं है इसमें, बस आलू हरी मिर्ची और जो ज़ीरा है वो मैंने तेल में डाल दिया है। जैसे एक दो मिनट भुनने के बाद थोड़ा सा आलू हो जाता है ना, उसके बाद मैं टमाटर इसमें ऐड कर देती हूँ। कोई टमाटर खाता है कोई नहीं खाता है उपवास में, मैं तो खाती हूँ, बाकियों का नहीं पता, लेकिन कुछ लोग नहीं खाते क्योंकि कुछ में मुझे कमेंट आए थे कि आप टमाटर खाते हो मेरे वीडियोज़ में उपवास में, तो हाँ मैं खाती हूँ ऐसा है। और यहाँ पे जो है ना फली दाने डाल दिए आखिरी में, भुने हुए जो रखे हुए थे उसके पहले, हाँ भगर डाला था, भगर अच्छे से धो लिया था वो डाला, फिर फली दाने डाल दिए और उसी के अकॉर्डिंग पानी और नमक डाल के इसे ढक के रख दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा भगर है वो बन रहा है और इस समय ना दोपहर के 2 बज रहे थे, लिटरली 2 बज रहे थे, तो काफ़ी टाइम हम लोगों को हो गया था। और वैसे भी हम लोग जो मार्केट है ना 5 बजे शाम को यहाँ से निकले थे, 3 बजे निकलना था लेकिन नहीं हो पाया। और यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने के लिए उसके ऊपर जो सब्जियाँ लगानी थी मतलब टॉपिंग्स जो लगानी थी, तो बटर में मैंने शिमला मिर्च और प्याज डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि सब्जी में थोड़ा सा नमक वाला फ्लेवर आ जाए, अदरवाइज़ ना वो टेस्टलेस लगती है, मतलब पान की जो बोलते हैं टेस्टलेस वो लगती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैरेमलाइज कर लिया है मैंने, अच्छे से हो गई है वो। और इसके बाद जो पिज़्ज़ा बेस था मार्केट से रेडीमेड मंगा लिए थे और घर पे रखा हुआ था पिज़्ज़ा, जो सॉस है ना घर पे हमेशा मेरे पास रखी रहती है क्योंकि पीहू को चाहिए होती है। तो यहाँ पे कुछ जो मोज़रेला चीज़ था अमूल का वो मैंने इसमें डाल दिया अच्छे से भर के, और उसके बाद जो है सब्जियों से उसको डेकोरेट कर दिया है, तो बहुत मज़ा आई थी मुझे करने में, एक एक सब्जी लगाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इसके ऊपर जो है इसके बाद एंडिंग में मैंने जो मिक्स हर्ब्स होते हैं ना वो डाल दिए थे। और ये जो कढ़ाई है मैंने 10 मिनट पहले ही गर्म करने रख दी थी प्री हीट करने के लिए, ताकि इसका टेम्परेचर जो है ना बना रहे और जैसे पिज़्ज़ा रखूँ तो पक जाए। तो भगर भी यहाँ पे हमारा रेडी है पिज़्ज़ा डालने के, बस 10-15 मिनट में पिज़्ज़ा भी अच्छे से बन गया था, मतलब चीज़ मेल्ट हो गया, मतलब पिज़्ज़ा बन गया ऐसा है, क्योंकि सब्जी तो पहले ही हमने पका लिए थे क्योंकि सब्जियाँ उतने अच्छे से नहीं हो पाती, अगर इसको पहले से पका के डाल दो ना तो बहुत अच्छी बन जाता, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है, अदरवाइज़ अगर बाद में सब्जी डालो बिना पकाए तो कच्चा कच्चा सा फ्लेवर लगता है। और यहाँ का जो यहाँ पे जो है ना पीहू का बिना सब्जियों वाला पिज़्ज़ा बना रही थी मैं, जिसमें केवल मैंने चीज़ डाला है और टोमेटो सॉस और पिज़्ज़ा सॉस दोनों डाल दिया है। तो ये जो
पिज़्ज़ा था ये पूरा आर्या के लिए बनाया था क्योंकि उसको वेजीज़ पसंद है, तो ये आर्या के लिए बनाया था। इसके बाद वाला जो पिज़्ज़ा है वो मैंने पीहू के लिए बनाया था क्योंकि बाकी हम सबका तो मतलब मेरे हस्बैंड ताई हम सबका उपवास था, हम लोग तो नहीं खाने वाले थे, तो बस बच्चों के लिए बना था। तो दो पिज़्ज़ा इन लोगों के लिए इनफ थे और बस जैसे ही हो गया था उसके ऊपर वापस से मिक्स हर्ब वगैरह डाल के बच्चों को सर्व कर दिया और देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था। मेरी बहुत इच्छा हो रही थी लेकिन ऐसा था कि कंट्रोल करना है, नहीं आज उपवास है नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते, तो हम लोगों ने तो कंट्रोल किया क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, ताई को नहीं पसंद है। और उसके बाद शाम को जैसे ही 5 बज गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ताई को और मुझे मतलब ताई को पेंटिंग करते करते, और उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर। और आज हम दोनों जा रहे हैं ऑटो में, मैं मतलब ऑटो में बहुत रेयरली जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड के साथ चले जाती हूँ या फिर मैं स्कूटी से चले जाती हूँ, लेकिन अभी क्या था ना हम लोग ऑटो से गए, हमने सोचा कि नहीं आज हम लोग पैदल पैदल घूमेंगे मार्केट। तो बस ताई और मैं निकल गए थे, काफ़ी सारा सामान लेना था, कुछ लिया है, कुछ सामान मिल गया है, कुछ सामान नहीं मिला, और फिर भी घूमते रहे और मज़ा आएगी ताई के साथ। इस तरह से ना ताई के साथ मैं हमेशा नागपुर में घुमा करती हूँ, हम दोनों मतलब बहुत मज़े करते हैं। घूम रहे हैं हम लोग अभी और ताई कुछ भी खरीदने नहीं दे रही है, रोज़ दुकानों में जा रही हूँ ना तो ताई बिल्कुल कुछ भी नहीं खरीदने दे रही है, यहाँ मर जा वहाँ मर जा बस। इस शॉप में ना मुझे ऊपर जो रेड वाला टॉप है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने ताई को बोला कि ताई जा पूछ क्या इसका प्राइस क्या है क्योंकि वो साड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। और बस जो शॉपिंग वगैरह थी हमारी ख़त्म हो गई, उसके बाद वापस से हम लोगों ने ऑटो किया और फिर हम लोग घर आ गए थे, पहुँच गए घर, मार्केट से आ गए हैं और चाय चढ़ा दी, काफ़ी टाइम हो गया है तो यहाँ पे बन रही है चाय और पनीर ला के रखा है, तो अभी ताई बनाएगी पनीर की सब्जी और साथ में दाल चावल जैसे कि मैं हमेशा चढ़ाती हूँ एक साथ में, तो यहाँ पे दाल चावल का कुकर लगा देंगे। और ये जो लिपस्टिक का शेड देख रहे हो, ये लोग ये जो लिपस्टिक का शेड देख रहे हो ये अभी हम लोग लेके आए हैं, तो ताई ने ये शेड लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने भी इसमें लिया है लेकिन इसमें का जो न्यूड शेड होता है वो लिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है शेड। तो काफ़ी सारी शॉपिंग करके आए हैं अभी जो ज़रूरी ज़रूरी थी और बस अभी थोड़ी देर में खाना बनाते हैं। और सब्जी की रेसिपी पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है तो अभी नहीं करूँगी क्योंकि पनीर की सब्जी की रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की है, तो बस अभी सिंपल सा बना लेते, ताई बनाएगी और मैं खाऊंगी, उसके पहले हम लोग पी लेते चाय क्योंकि काफ़ी थक गए हैं मार्केट गए थे तो वहाँ पे भी कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि वो आज जो था ना उपवास था। चीज़ आपको दिखाती हूँ, ताई सुबह से लगी हुई उसके पीछे, उसके कारण हम लोग जो थे ना दोपहर में लेट हो गए थे और बाहर जो शॉपिंग करने जाना था काफ़ी लेट हो गए थे, ताई यहाँ पे बना कर रही है आज पेंटिंग, तो ताई यहाँ दिखाती हूँ ना मेरे मोबाइल के ऊपर कवर मतलब मेरे मोबाइल के कवर में जो है ना पेंटिंग कर रही है, पहले ऐसे ही था ट्रांसपेरेंट सा और काफी मतलब ट्रांसपेरेंट कवर लो तो सब पीला पीला सा हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है, तो ताई जो है ना इसके ऊपर पेंटिंग करी, ताई थोड़ा सा था तो ताई ने बनाया, ताई को इस मतलब पेंटिंग करना ना बहुत पसंद है, ताई ने घर में बहुत सारे स्टोन के आर्ट्स भी बनाए हैं और ताई जो है सेल भी करती है, तो आपको जो है ना मैं साड़ी भी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, बहुत अच्छी साड़ी बना के लाई है ताई, और जो साड़ियां हैं ताई ऑर्डर लेती है और पेंटिंग करके ताई जो है साड़ियां सेल भी करती है, तो इनका इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैं शेयर कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ताई जो है ना ऑर्डर्स लेती है और बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बनाती है, पॉट हो गया तो पॉट भी ताई बना रही है, तो जब वो हो जाएंगे ना बन जाएंगे आपको दिखाऊंगी मैं, फिलहाल तो ताई पेंटिंग कर रही, मेरे मोबाइल कवर को काफ़ी गंदा हो गया था तो बैठे हुए थे तो उन्हें बोला कि कर देती है, तो बहुत अच्छी पेंटिंग कर रही है, तो जो पॉट वगैरह ताई ने घर में आने के बाद वो भी अभी बना के दिए तो वो भी दिखाऊंगी आपको, उसके पहले दिखाऊंगी साड़ी जो ताई मेरे लेके आई है, तो वो साड़ी जो है ना ताई ने मुझे गिफ्ट की है मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट, तो वो भी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, उसके पहले खाना पहले बना लेते क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो खाना बनाती हूँ उसके बाद आपको साड़ी दिखाती हूँ। सजे में कैसी लगा चाय, बस यहाँ पे जो है ना बाद में सब्जी बनाने की तैयारी में कर रही थी क्योंकि ताई पेंटिंग कर रही थी, बनाना तो सब्जी उसी ने था, उसी ने बनाई, बस मैंने मसाला करके रख दिया था और सुबह से ताई पेंटिंग में लगी हुई है, तो यहाँ पे बस मसाला उसका प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि वो आके जल्दी से बना ले, काफ़ी थक गई है वो भी क्योंकि वो भी सुबह से पेंटिंग एक जैसे कर रही है बैठ के, तो बैक है ना बहुत दर्द करती है, तो ताई यहाँ पे सब्जी बना रही थी तो साइड में मैंने रोटियाँ बना ली, और रोटियाँ जब फूलती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब रोटी नहीं फूल पाती ना मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे ही रोटी फूलना स्टार्ट होती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि कितना अच्छा लगता है जब अपने हाथ की बनी हुई रोटी फूलती है, और नहीं फूलती तो उतना ही बुरा लगता है कि यार रोटी फूली नहीं है,
तो बस यहाँ पे रोटियाँ भी बन गई है, सब्जी भी बन गई है। इसके बाद हम लोगों ने ले लिया था खाना, और ये बनी है सब्जी, बहुत ही यम बनी थी सब्जी। ताई सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती है एक्चुअली। तो ये सब्जी बन गई है, और इसके बाद मैंने अपना अपनी जो थाली ना सर्व कर ली थी, क्योंकि ताई और हस्बैंड नहीं खा रहे थे, उन्हें उतनी भूख नहीं थी, तो मैंने अपनी थाली सर्व कर ली। यहाँ पर मैं खाने भी बैठ गई हूँ। ऐसा तो आज का दिन ऐसा रहा, सुबह से पूरा मतलब पेंडिंग से काम स्टार्ट हुआ, हेल्दी शेड्यूल जो था हमारा वो चालू हुआ। बीच में बच्चों ने थोड़ा सा जंक फूड खाया, उसके बाद वापस से रात में हम लोगों ने एक हेल्दी सा खाना खाया है यहाँ पे बैठ के। और ताई जो है रात के 11:30 बजे तक पेंटिंग करती रही है। तो ये जो है अभी ताई इसको कर रही, भालू बना रही है। इसका एक पेयर जो यहाँ पे बन गया है, और साथ ही में यहाँ पे बनाई है ताई ने अफ्रीकन वुमन, और ये बनाई है एक मटके के ऊपर। मड़का जो पुराना पड़ा हुआ था ना, उसको तोड़ के मतलब उसके ऊपर बनाया। और ये पॉट का भी करेंगे पेंटिंग, और जो ये मेरा मोबाइल कवर था उसके ऊपर भी ताई ने पेंटिंग की है। मतलब फाइनली हो गया, बस थोड़ा सा इसको टचअप देना बाकी है, बाकी हो गया है। और यहाँ पे इतना सारा तामझाम वही इसको बोल। तो बस आज के ब्लॉग का जो है ना यहीं पे करती हूँ, क्योंकि खाना वाना हम लोगों का हो गया है, और साड़ी दिखाई नहीं है। साड़ी देखती हूँ, अगर कल पॉसिबल रहा तो दिखाऊंगी, क्योंकि काफी थक गए थे। और खाना होने के बाद में मतलब अभी भी ताई पेंटिंग कर रही है, और मुझे सोना है क्योंकि कल सुबह बच्चों का स्कूल है, सुबह उठना पड़ेगा। तो आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। और कल जो है ताई चली जाएगी, अगर पॉसिबल हुआ तो कल का वीडियो में मतलब ब्लॉग में ज़रूर बनाऊँगी, नहीं तो फिर कल का नहीं बनाऊँगी। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। तो ये साड़ी है जो ताई ने लाई थी, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वाली साड़ी है, इस तरह से ताई ने पेंटिंग की है, मतलब प्लेट्स जो है साड़ी की उसमें भी पेंटिंग है। और ये जो पल्लू है इस तरह से आ रही है अच्छे से, तो इस तरह से ताई ने पेंटिंग की है साड़ी में, और साड़ी का कलर भी बहुत प्यारा है। तो इस तरह से पेंटिंग की है ताई ने साड़ी में, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, बहुत प्यारा लुक दिख रहा है इसका। और इसका ब्लाउज जो है ना इसी कलर मतलब इसी कपड़े में कॉन्ट्रास्ट में रखा हुआ है, तो बहुत ही प्यारी लग रही साड़ी। और बीच में इस तरह से बूटे भी बनाया हुआ है पूरी साड़ी में, तो इस तरह की पेंटिंग की है साड़ी में ताई ने। तो ये दूसरे दिन शाम का वीडियो है, जब ताई को हम लोग छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आए थे, तो सुबह मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ताई जो है आज जा रही है, तो आज लाइट भी नहीं आ रही हमारी, ठीक है आ गई अच्छी लाइन। तो ताई जो है यहाँ से जा रही है आज, और मतलब कल के बाद फिर मॉर्निंग में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, उसके बाद बस डायरेक्टली आज कर रही हूँ। दिन भर ताई ने जो पेंटिंग का काम किया है, और थक हार के भी जा रही हूँ, सारा सामान रखा है, हम निकल रहे हैं। बाय।